नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बोझल और भारी मन से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है कोरोना के बारे में। जो लोग मेरे चैनल को काफ़ी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, एकदम शुरू के टाइम से, खासकर पिछले एक साल में, क्योंकि जब कोरोना आउटब्रेक लास्ट मार्च में हुआ था 2020 में, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पर उस वीडियो को यूट्यूब ने ये कह कर के डाउन कर दिया था। उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी कि मैं WHO की बताई हुई बातों का उल्लंघन कर रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब ने मेरा वीडियो डाउन कर दिया था। डाउन मतलब पब्लिकली वो पब्लिक वाले सेक्टर से उन्हें हटा दिया था, वो सिर्फ मेरे को मेरे एनालिटिक्स पे दिख रहा था, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, और फिर 7 दिन बाद वो डिलीट हो गया। तो दोस्तों, मैंने फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो को बनाने की, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। उसके अंदर सिर्फ मैं सवालों के जवाब बताने वाला हूँ जो मेरे को लोगों ने पूछे, जो मेरे खुद के मन में है एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट, क्योंकि मैं भी तो पेशेंट हूं ना किसी चीज का आज की तारीख में, ठीक है ना। और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझको पूछ रहे हैं, और एक आम जनता, एक मेरे आम पेशेंट जो लोग रेगुलरली मुझे विजिट करते हैं, अभी इन दिनों मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल वाइड और विस्तृत रूप से आप सबको मैं बताने की कोशिश करूंगा, और इसलिए इसका मैंने थंबनेल बनाया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन कोरोना। इसके अंदर दोस्तों, मैं अंत में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कोरोना का, ठीक है ना। इसके अंदर मैं होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्टिक ड्रग भी बताऊंगा आपको कि कौन सी वो दवा है जिससे आपको कोरोना होने से आप बच सकते हो। इसके अंदर मैं आपको वो दवा भी बताऊंगा कि जो लोग रेस्पिरेटरी फेलियर की स्थिति में आज की तारीख में वेंटिलेटर पे पड़े हैं, जिनकी CT स्कैन के अंदर लंग्स का डैमेज परसेंटेज में दिख रहा है, उन लोगों के लिए प्रोबेबली मेडिसिन क्या हो सकती है। पर दोस्तों, मेरी मजबूरी है कि अगर मैंने इस वीडियो के अंदर अपने चैनल पे टैग वगैरह डाले तो मुझे डर है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब इसको वापस से डाउन कर देगा। तो अब इस केस में ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, क्योंकि हम लोग हमारे यूट्यूब स्टूडियो में जो हम टैग डालते हैं, वो टैग के पीछे मकसद ये होता है कि हम जो है अपने वीडियो को सर्च में लाना चाहते हैं। पर अब क्योंकि मैंने अगर कुछ ऐसे वैसे टैग डाले इसके अंदर, तो पक्के में यूट्यूब इस वीडियो को भी डाउन कर देगा। तो दोस्तों, जनहित में और मानव हित में ही आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये जन जन तक पहुंच जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, कोरोना के ऊपर और कोरोना के पेशेंट पे मेरे को पिछले एक महीने के अंदर थोड़ी सी रिसर्च का मौका मिला, क्योंकि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे जान पहचान वालों में कोरोना के केस थे, और मैंने उनके ऊपर काम करा। और दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिला। आप में से जितने लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे चैनल को रेगुलरली आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता है मैं एक पैसे का झूठ नहीं बोलता आपको। बस ये जो मेडिसिन है आपको ये लोगों तक पहुँचाने का इकलौता एक तरीका है कि आपको सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना पड़ेगा, तभी ये लोगों तक पहुँचेगा, तभी उनका भला होगा। तो अपन इस वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों का था, एकदम से ये कैसे लीथल हो गया, एकदम से इतने लोग क्यों मर रहे हैं, एकदम से शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सप्लाई इसलिए नहीं मिल पा रही है, सप्लाई है ऑक्सीजन की, पर जिस प्रोपोर्शन में केसेस आ रहे हैं ना, जिस प्रोपोर्शन में इन लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो वो जो प्रोपोर्शन है वो उसकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे तो क्यों हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ये सारे जो केसेस थे, जिन लोगों की हालत ख़राब हो रही है, ये सब नेग्लेक्टेड केसेस हैं। आप मेरी बात समझिए, सबसे पहली दिक्कत कि नेग्लिजेंस पे गए क्यों, क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन कफ एंड कोल्ड, जिसको हे फीवर बोल सकते हो, कॉमन फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो कोरोना के सारे सिम्टम भी इस फ्लू से ही मिलते जुलते हैं। जो अपन आम सर्दी खांसी, जिसको हम बचपन से पैदा होते से हम हर साल में 2 बार जिसको हम फील करते आ रहे हैं, तो सबसे पहली दिक्कत है कोरोना के सारे लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं। इन दोनों के लक्षण बिल्कुल ऐसे हैं, एटलीस्ट शुरुआती स्टेज में। क्या है लक्षण? फीवर आएगा, लो ग्रेड फीवर होगा,
लो ग्रेड मतलब शुरू के हिस्से में हल्का फीवर होगा, फिर वो एकदम से बढ़ता जाएगा। अब उसमें कोरोना से क्या डिफरेंस है, मतलब ये आम फ्लू के लक्षण में और कोरोना के लक्षण में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लक्षण क्या है भाई, बदन दर्द हो रहा है, फीवर आने लग गया, फीवर आने के साथ साथ एक डलनेस की स्थिति आ गई, डलनेस की स्थिति के साथ या तो हल्की फुल्की सूखी खांसी और सर्दी चालू हो गई, सर्दी चालू हो गई और इसके बाद बस ये चीज़ें आगे की तरफ प्रोग्रेस होती जाती है, ठीक है ना, कि वो भाई साहब सर्दी खांसी चालू हुई, फिर हल्की सी खांसी चालू हुई तो डल रही हालत, फिर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे करते करते ग्राफ बिल्कुल स्टीप डाउन होगा, फीवर वगैरह सब धीरे धीरे कम होगा और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीक, फर्स्ट वीक के एंड में ये जो कॉमन कफ एंड कोल्ड का बंदा है ये सही हो जाता है, या तो कुछ भी नहीं खाता है, या तो ये देसी नुस्खे खाता है, घर की देसी दवाइयाँ, देसी काढ़े वगैरह, या तो ये एलोपैथी के अंदर एंटी एलर्जिक और आपकी एंटी पायरेटिक वगैरह वगैरह इसको देते हैं तो ये बाहर आ जाता है। अब ये जो सिम्टम है कॉमन कफ एंड कोल्ड सिम्टम, बिल्कुल सिंपल है, फीवर आम सर्दी जुकाम बुखार इसी की हम बात कर रहे हैं ना, इसके इससे कोरोना का डिफरेंस क्या है, कोरोना इससे किस तरह से डिफरेंस है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बोला कि सिम्टम बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के, देन वॉट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोरोना एंड बिटवीन दिस कॉमन कफ एंड कोल्ड एंड फीवर, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षणों में कोरोना में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर है फीवर की स्टेट का, मैंने आपको बताया है, मैंने जो आपको क्लिनिकल अप्रोच टू द फीवर करके एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई इन्फेक्शन तुम्हारे को कितना है, उस इन्फेक्शन की वर्नेबिलिटी और लेवल आपको पता चलेगा फीवर से और फीवर की सीवियरिटी आपको पता चलती है दो चीजों से, पहला टेम्परेचर और दूसरा जनरल स्टेट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है कि जो आम सर्दी खांसी के अंदर फीवर इतना तगड़ा नहीं होगा, पर कोरोना के अंदर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम कॉमन कफ एंड कोल्ड एंड कोरोना के बीच में जो डिफरेंस है कि कोरोना का फीवर हर दिन तगड़ा होता जाएगा, रिलैप्सिंग फीवर होगा, वो कैसा होगा, रिलैप्स हो जाएगा, बार बार पलटे पलट के आएगा। आपने इधर देखो, जैसे मान लो सवेरे बुखार चढ़ा, आपने दोपहर तक देखा, दोपहर तक वो और तेज हो गया, आपने उसको पैरासीटामोल की गोली दी, वो उतर जाएगा, बट मे बी टिल दैट नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आ जाएगा, तो रिलैप्सिंग फीवर होगा। अगर पेशेंट को कोरोना है, कॉमन कफ एंड कोल्ड नहीं है, तो उसकी फीवर की सीवियरिटी का ग्राफ ऐसा जाएगा, उसका फीवर बढ़ता जाएगा, उसके फीवर में जो पीक टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, एंड फिर देयर विल बी अ टाइम कि इसका ये जो फीवर है ना, ये पैरासीटामोल से भी नहीं उतरेगा। अब यही पॉइंट है, दिस इज द मेन पॉइंट फ्रॉम वेयर जो चीजें खराब हो जाती हैं। ये वही लोग थे जो बेचारे घर में थे, जो भोले वाले थे, जिनको ये लग रहा था कि दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कफ एंड कोल्ड, हमको एक सर्दी, मौसमी सर्दी है, हमें वेदर चेंज की सर्दी खांसी जुकाम बुखार है ये लोग सब घर में बैठे थे। फिर क्या हुआ, चौथे से पांचवें दिन इनका फीवर उतरना ही बंद हो गया, नो डाउट 99% तो सही हो गए, अमॉन्ग दीज पीपल 90-95-97% पीपल गॉट क्योर्ड एट देयर होम विदाउट एनी स्पेशल असिस्टेंस, कोई उनको असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो कोरोना के पेशेंट थे, और कोरोना की भी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, किन लोगों में ज्यादा वो नुकसान कर रहा है, पर देखिए वो क्राइटेरिया भी बचा नहीं है, क्योंकि इस बार जो कोरोना ने जितने लोगों को इन्फेक्ट करा और मारा है उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द यंगर एज ग्रुप। आज की तारीख में हम पिछले कोरोना में जरूर बोल सकते थे कि भाई प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज के पेशेंट, एजेड लोग जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, या पहले से कोई एग्जिस्टिंग बीमारी से वो बेचारे ग्रस्त है, उन लोगों को कोरोना ज्यादा वर्नेबिलिटी के साथ पकड़ रहा है। बट इन दिस मार्च ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना में, ये हम बिल्कुल विश्वास से नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वाली वेव ने तो जवान लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आई न्यू पर्सनली मैनी पीपल्स हु आर राइट नाउ हु आर अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज, दे आर अंडर 40s एंड दे आर ऑन द वेंटिलेटर, वो मरणशैया पे है।
तो गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है कि हर व्यक्ति को लाखों की तादाद में आज की तारीख में फीवर के लक्षण आ रहे हैं। उन लाखों लोगों के अंदर, लाखों लोगों के अंदर, लाखों में लाखों को कोरोना है भी, आप ये समझो आप मेरी बात, ठीक है ना। और वो जो कोरोना के केस हैं उसके अंदर से मान लीजिए 2 लाख, अपन एक एवरेज पकड़ते हैं कि 2 लाख लोगों की तबीयत बिगड़ रही है घर में, उन 2 लाख लोगों में से 1 लाख को तो था कॉमन कफ एंड कोल्ड, वो सब सही हो गए। पर ये सारे के सारे 2 लाख की मानसिकता है कि हमको घर में ही सही होना है, क्योंकि ये डू नॉट नो कि वेदर हु इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अब क्या हुआ, 1 लाख तो सही हो गए कॉमन कफ एंड कोल्ड मौसमी बुखार वाले, बचे 1 लाख कोरोना के पेशेंट। ये जो 1 लाख पेशेंट थे, इन 1 लाख के अंदर से मॉर्टिलिटी रेट कितनों का है, लगभग 4-5%। तो इन 1 लाख लोगों में से लगभग फिर भी आप समझ लो कि 95,000 लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत इलाज के बाद ये सही होगा, ये असिम्टोमेटिक है, इनके अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहा है, इनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये गए डॉक्टर के पास, इनकी जांच हुई, इनकी जांच पॉजिटिव है, इनको बोला जाओ घर में जाओ, घर में जाके बंद हो जाओ, होम क्वारंटाइन हो जाओ। तो ये कुछ दवाओं के साथ होम आइसोलेशन में है और सब टकाटक सही हो रहे हैं, मतलब ये सब बिल्कुल विद इन 1 वीक बिल्कुल खड़े हो जा रहे हैं बिस्तर से। अब बचे जो 5%, इन 5% में वो लोग थे जिनने ज़्यादा नेग्लिजेंस कर दिया। वो किस तरह का नेग्लिजेंस था, वो नेग्लिजेंस था कि भाई दवा ना लेना, फीवर आ रहा है उसको रियलाइज ना करना, सिचुएशन की सीरियसनेस को रियलाइज ना करना। घर में ही आप ले रहे हैं दवा, कि हो सकता है आपको दवा के साथ कोई हैवी एंटीबायोटिक की जरूरत हो आज की तारीख में, मे बी आप ओरल एंटीबायोटिक ले रहे हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, पर हो सकता है आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की जरूरत हो, आईवी की जरूरत हो, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई कमी रह गई जिनके इलाज में, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द फ्यू डेज उनका जो कोरोना था, जो कोरोना का जो COVID-19 था, वो अल्टीमेटली लंग्स में पहुंच गया। और लंग्स के अंदर क्या करता है, वो लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहां पे फाइब्रोसिस होती है। अब आप जानते हैं कि जो इन्फ्लामेशन जब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उग्र इन्फ्लेमेशन होता है, उसका हीलिंग फाइब्रोसिस से होता है, और यही कारण है इन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, कि इनके लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन ने जो इन्फ्लेमेशन करा है, और उस इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए बॉडी ने कहीं ना कहीं फाइब्रोसिस कर दिया, हार्डनिंग ऑफ लंग कर दिया, ड्यू टू दैट जो इलास्टिसिटी है वो उसकी चली गई, और इन्फेक्शन प्लस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस फाइब्रोसिस के कारण ये लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि इनको लगते हैं वेंटिलेटर, या फिर इनको लगता है ऑक्सीजन का असिस्टेंस, कि बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकते। इनको जितना ऑक्सीजन का मात्रा है वायु की जल मतलब हवा में, उससे ज़्यादा इनको कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का चाहिए। तो इसमें जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको लगता है ऑक्सीजन का सपोर्ट, और जो और ज़्यादा सीवियर और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं वो जाते हैं वेंटिलेटर। तो दोस्तों ये हमने जाना कि इतने ज़्यादा लोग एकदम से क्यों इन्वॉल्व हो गए, कि हर आदमी ये सोचता है मैं घर में सही हो जाऊंगा, हर आदमी को एक गलत फहमी में जी रहा है मैं स्ट्रांग, जबकि कोई नहीं है स्ट्रांग। इसने जवान लोगों को भी नहीं छोड़ा है, और हराने को 100-100 साल के ऊपर के बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं जो कोरोना को 2-2 बार हरा के आ गए। तो आप देखिए ना, इसमें कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा है कि 100-200 साल 100-125 साल के बुड्ढे हरा के आ रहे हैं, 2-2 बार डिफीट कर दिया उनने कोरोना को, और एक 18-20 साल का जवान लड़का वेंटिलेटर के ऊपर एक्सपायर हो गया। तो देखिए कोई इसका पैटर्न नहीं है। तो ये मैंने उस सवाल का जवाब दिया कि एकदम से इतने लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एकदम से ये मोर्टिलिटी क्यों आ गई। ये मोर्टिलिटी इसलिए आ गई कि हर कोई क्या कर रहा था, इनसफिशियंट रिसोर्सेज के साथ घर पे अपना ट्रीटमेंट कर रहा था, या अगर वो किसी मेडिकल असिस्टेंस के संपर्क में भी था तो जो कुछ भी चल रहा था वो बहुत कम रिसोर्सेस के साथ चल रहा था, है ना। और जो एक चीज है विच शुड बी टेकन केयर ऑफ दैट इन द केस ऑफ कोरोना, वो है फीवर। फीवर को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर फीवर हाई ग्रेड है, फीवर पर डे बढ़ता जा रहा है, फीवर जो है वो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक मतलब पैरासीटामोल जैसी दवाओं को फीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है,
और आपके 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपको बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट की आवश्यकता है और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जो लोग जिनका फीवर बहुत माइल्ड है, लो ग्रेड है, मॉडरेट है, या शुरू में आने के बाद में फीवर उनका चला गया है, वो लोग वाकई में घर पर रह के अपना इलाज करा सकते हैं, उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो जो 3 मेडिसिन मैंने जो ठोक बजा के, मेरे को कम से कम 6-7-8 केसेस के अंदर जिसमें बहुत प्यारे रिजल्ट मिले हैं, अब मैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको उन लोगों के भी नहीं दे सकता कि वो कौन थे, मैं उनके संपर्क में कैसे आया, मेरे को उस केस पे काम करने का कितना मौका मिला। आप जानते हैं बहुत सारी सीमाएं होती हैं, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट जो 3 मेडिसिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली आर्सेनिक एल्बम 30, द सेकेंड वन इज द जेलसीमियम 30, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द यूपेटोरियम 30। दोस्तों ये 3 मेडिसिन हैं जो कोई भी केसेस, सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना के अंदर आप लोगों को पहली फुर्सत में दे देनी है और शुरू कर दे देनी है। अब ऑब्वियस बात है भाई, फीवर होगा उस आदमी को, फीवर से चालू होगा, थोड़ी सी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, रनिंग नोज, ऐसे ही सिम्टम से चालू होता है कोरोना, और इन्हीं सिम्टम से चालू होता है कॉमन कफ एंड कोल्ड। तो ये 3 मेडिसिन आपको पहली फुर्सत में चालू कर देनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था प्रोफाइलेक्टिक बताने का। इन्फ्लुएंजिनम इज द ओनली प्रोफाइलेक्टिक ड्रग इन द केस ऑफ कोरोना। इन्फ्लुएंजिनम ही वो प्रोफाइलेक्टिक दवा है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों जिनके घर में ये सारे बवाल मचे ना, ये कॉमन कफ एंड कोल्ड फलाना ढिमका वाले, तो ये जितने बवाल हैं उनके लिए आपको हर एक पेशेंट को जो घर के अंदर है वो 4 दिन से 5 दिन ओडी नाइट में एक डोज देना है। मतलब जितने भी मेंबर हैं वो रोज रात में 4 गोली की एक खुराक लेंगे इन्फ्लुएंजिनम की 5 दिन तक, ठीक है ना, ये लेना ही लेना है। तो जो पेशेंट है उसको भी लेना है और जो पेशेंट नहीं है उसको भी लेना है। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइलेक्सिस। हालांकि प्रोफाइलेक्सिस नहीं होगा और क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ, और किस तरह से होता है प्रोफाइलेक्सिस के मतलब बदल गए इस दुनिया में, वो भी बताता हूँ आपको। तीसरी चीज, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था लंग्स फेलियर की दवा बताने का। दोस्तों मेरे को फाइब्रोसिस पे दवा नहीं ढूंढ पाया मैं, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली सीटी स्कैन तो आए हैं कोरोना के केस के, पर अभी मेरे को जब तक हमको पोस्टमार्टम आज तक एक भी कोरोना का मरीज का नहीं हुआ। आप मेरी बात समझिए, दिक्कत कहाँ है कि जो लंग्स में सीटी स्कैन में जो फाइब्रोसिस दिख रहा है, आज तक अभी तक किसी भी कोरोना के मरीज की ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई कि हम उस पैथोलॉजी को एग्जैक्टली समझ पाए कि उसके साले के लंग्स में क्या हुआ जो वो मर गया। तो मोटे तौर पे यहाँ पे मरने का एक कारण था कि भैया ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जब वो सांस ले रहा था तो वो उसका एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, एंड दैट इज़ वाई ही वाज सफरिंग फ्रॉम द डिस्निया, सांस नहीं ले पा रहा था, दम घुट रहा था। तो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इन दिस टाइप ऑफ लंग्स की कंडीशन के लिए, जो लंग्स की डिस्निया वाली कंडीशन है उसके लिए जो 2 मेडिसिन है, दैट इज़ द एंटिमटाट 30 एंड ईपीकॉक 30। बस ये दोनों मेडिसिन आपको उन लोगों को देना है जो राइट नाउ जिनके लंग्स छलनी हो चुके हैं। और मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, मैं घंटों घंटों रिसर्च कर रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं, तो मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उस फाइब्रोसिस की दवा को ढूंढने के पीछे हूँ कि वो मुझे मिल जाए और मैं आप लोगों को बस इस वीडियो किसी और वीडियो में आउट करूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए प्रोफाइलेक्सिस की परिभाषा बदल चुकी है आज की तारीख में। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी बात कि पहले प्रोफाइलेक्सिस की परिभाषा क्या थी कि भाई तू हो गया प्रोफाइलेक्सिस, मतलब मैंने ये दवा ली, इस दवा से मैं हो गया इम्यून, अब मेरे को बीमारी नहीं होगी, मैं निश्चिंत हूँ। पर अब आप आज की तारीख में निश्चिंत नहीं हो सकते। आज की तारीख में प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि कोरोना की वैक्सीन लग गई है, बूस्टर डोज भी लग गया है, आपके अंदर इम्यूनिटी है। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना अगर आपको हुआ
तो वो उतना आपकी जान भर नहीं ले पाएगा, आप ये समझ लो। उसके बाद भी वो कोरोना होगा। अगर आप तगड़े इन्फेक्शन में आए हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आपको कोरोना होगा, बट आप बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ आप जो है उससे बाहर आ जाओगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोफाइलेक्सिस। और यही आपको उम्मीद करनी है इन्फ्लुएंजिनम से, कि आप इन्फ्लुएंजिनम लोगे तो चीजें जल्दी सॉर्ट आउट होने में आपको हेल्प करेंगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन्फ्लुएंजिनम खा लियो नंगे घूमेंगे हम, नहीं। पूरा सोशल डिस्टेंस रखेंगे, 2 से 4 गज की दूरी रखेंगे, मास्क लगाएंगे, मास्क के ऊपर फेस शील्ड भी लगाएंगे, सैनिटाइजर पॉकेट में रखेंगे, घड़ी घड़ी हम हैंड को सैनिटाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़, और कोई तरीका नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों का भला हो। ये मेडिसिन वेल टेस्टेड है, आप एक बार लेके देखिए, आप बताओगे, आप खुद कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि डॉक्टर साहब आपने बढ़िया दवा बताई। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।